तो यूसीसी बिल पर आज विधानसभा में फिर से चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय केंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब है आज विधानसभा का तीसरा दिन है, क्या कुछ नजारा अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वहां? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कब से कुछ देर में, यानी सिर्फ कुछ ही मिनटों में सदन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और जैसे ही ये कह सकते हैं कि अंतिम जो 5 मिनट बचे हुए हैं वो समय यहाँ पर चल रहा है सदन की कार्रवाई शुरू होने के लिए, और उसके बाद सदन की कार्रवाई तीसरे दिन की जो है वो आज प्रारंभ यहाँ पर हो जाएगी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सदन के भीतर यूसीसी का विधेयक जो कल सरकार की तरफ से रखा गया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिसको सदन के पटल पर रखने का काम किया था, आज चर्चा के बाद उसको पास कराने का काम यहां पर किया जाएगा। उम्मीद है कि दोपहर बाद इस विधेयक को यहां पर सदन के भीतर ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से पास कराने का काम यहां पर किया जाएगा। विपक्षी सदस्यों की जो मांग थी उस मांग पर आज ये कह सकते हैं कि विपक्ष के जो सदस्य हैं आज वो चर्चा में भाग यहाँ पर लेंगे और यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया या सदन के भीतर जो सुझाव उनके उन सुझावों को देने का काम यहाँ पर करेंगे। विपक्षी सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार ने ये बिल लाया है ये जल्दबाजी में लाया गया बिल है, आधा अधूरा बिल है, सरकार को इसको लेकर मंथन यहाँ पर करना चाहिए था और कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जो काम यहाँ पर होना चाहिए था, जो बिल में कठोर नियम यहाँ पर लाने चाहिए थे, एक समान अधिकार सभी लोगों को देने चाहिए थे जिसके लिए समान नागरिक संहिता का नाम यहां पर दिया गया था, वो चीजें यहां पर देखने को नहीं मिली है। कई ऐसी शंकाएं विपक्ष की तरफ से खड़ी यहां पर की गई है इस विधेयक को लेकर, जिस पर विपक्ष अपना ये कह सकता है कि जवाब सत्ता पक्ष से मांगना चाहता है और सत्ता पक्ष से जवाब वो सुनना चाहता है कि आखिर कहां पर उन चीजों का लेकर इस कानून में उन सब चीजों का प्रावधान यहां पर किया गया है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों का जो विषय है, 10% क्षतिज आरक्षण का जो विधेयक है जो पिछले विधानसभा सत्र में प्रवर समिति के अधीन सौंपा गया था, प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद उस विधेयक को एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री ने कल विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया था, आज भी उस पर चर्चा होने की संभावना है और उसे एक बार फिर पारित कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में दो महत्वपूर्ण विधेयक, एक विधेयक यूसीसी जिस पर पूरी देश और दुनिया की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, अब तक यूसीसी को लेकर जो बातें होती थी आज उस पर कानून बनाने की दिशा में धामी सरकार आगे बढ़ चुकी है और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो कानून की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। दूसरा जो राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षेत्रीय आरक्षण का जो विषय था उसे भी आज यहाँ पर सदन में ध्वनि मत से पास कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण विषय और आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक रहने वाला है। जी अभय, अब से कुछ ही देर में जो है विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो वहां चाहेंगे कि आप दर्शकों को वहां की लाइव तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या माहौल फिलहाल जो है वहां देखने को मिले क्योंकि शुरू हो गई है कार्यवाही। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर की जो कार्रवाई है वो अब इतनी देर में, जब तक हम लोगों ने दर्शकों को इस यूसीसी के बारे में बताने का काम किया था तो उतनी देर में सदन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सदन के भीतर अभी ये कह सकते हैं कि चर्चा में जो भाग लेने का काम था वो अब सदस्यों की तरफ से यहाँ पर किया गया और अभी ये कह सकते हैं सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्षी सदस्य हैं वो भी अब अपनी बात रखना यहाँ पर शुरू करेंगे और अपने सुझाव देने की बात यहाँ पर करेंगे कि क्या कुछ यूसीसी में इस समय प्रावधान होने चाहिए थे, किन चीजों को छोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया गया, और जो विपक्ष कहता है कि जल्दबाजी में विधेयक लाने का काम हुआ तो जल्दबाजी किन चीजों में यहां पर दिखाई दे रही है उसको सबके सामने रखने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। जी